हे गाइस, दिस इज प्रीति, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2015 रिलीज्ड एक हॉलीवुड हॉरर मूवी के बारे में, जिसका नाम है डार्क समर। कहानी स्टार्ट होती है एक 17 साल के लड़के डैनियल के साथ, जिसे हाउस अरेस्ट पर रखा गया है। उस पर आरोप है अपने क्लासमेट मोना को ऑनलाइन स्टॉक करने का, उसके सारे सोशल अकाउंट्स हैक करने का, उसे इतना परेशान करने का कि फ्रस्ट्रेटेड होकर उस बेचारे ने सुसाइड ही कर ली। सजा के तौर पर डैनियल को अपने ही घर में कैद करके उसके पैर पे एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया जाता है, जो घर के बाहर जाने से, इनफैक्ट फ्रंट लॉन के आगे जाने से बीप करने लगता है। उसके 5 सेकंड के अंदर अंदर अगर डैनियल घर वापस नहीं गया तो पुलिस उसे जेल में डाल देगी। वो इंटरनेट यूज नहीं कर सकता, ना उससे कोई मिलने आ सकता है, ना वो किसी से कांटेक्ट कर सकता है। नो फ्रेंड्स, नो मस्ती मजाक। उसकी मॉम फिलहाल काम के सिलसिले में घर से बाहर है, तो उसे अकेले ही रहना होगा। पुलिस की कड़ी नजर हमेशा रहेगी उस पर। ऑफिसर स्टोक्स उसे सब कुछ अच्छे से समझा के निकल जाते हैं, और उसके कुछ देर बाद ही अचानक घर की डोरबेल बजने लगती है। डैनियल के 2 बेस्ट फ्रेंड्स आए थे, केविन एंड एबी। डैनियल ने उनसे एक टैब मांगा था, साथ में इंटरनेट एक्सेस भी, जिससे वो अपने माँ को कॉल कर सके। यहाँ पर उनके बातचीत से हमें पता चलता है डैनियल खुद भी नहीं जानता उसने ऐसी बेवकूफ़ी क्यों की। वो मोना को लाइक तो करता था, मगर इतना भी नहीं कि उसके पीछे पागल हो जाए। लेकिन एक दिन अचानक पता नहीं उसे क्या हुआ, वो ऑब्सेस्ड हो गया, बिल्कुल ओवरनाइट। उसका जैसे बस ही नहीं रहा अपने ऊपर। डैनियल के चेहरे पे उसके अंदर का कन्फ्यूजन झलक रहा था, सच्चाई दिख रही थी, काफी फ्रस्ट्रेटेड दिख रहा था वो। दोस्तों के जाने के साथ साथ जैसे वो घर में अकेला होता है, एक अजीब सी बेचैनी छाने लगती है उसके दिल और दिमाग में। छोटी छोटी चीजों पर ध्यान जा रहा था उसका, ऐसा लग रहा था कि घर में और भी कोई है। वो जल्दी से इंटरनेट कनेक्ट कर लेता है, और हम देखते हैं उसका मेन इंटेंशन अपने मॉम को कॉल करना नहीं, बल्कि मोना के अकाउंट में लॉगिन करना होता है। वो अभी भी उसे लेकर ऑब्सेस्ड है, ना चाहते हुए भी। डैनियल किसी तरह अपने आप को संभालता है और सच में माँ को कॉल करने जाता है, लेकिन ठीक उसी वक्त उसे कॉल आता है मोना के अकाउंट से। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है, मोना तो मर चुकी है। डैनियल का हाथ अपने आप ही कॉल को एक्सेप्ट कर लेता है, और डैनियल देखता है एक भयानक वीडियो रिकॉर्डिंग मोना के सुसाइड का, जिसमें उसने अपने आप को शूट किया था, और मरने से ठीक पहले डैनियल को कर्स किया था कि जो उसने सहा है डैनियल को भी वैसा ही भुगतना पड़ेगा। बाय नेक्स्ट मॉर्निंग यह वीडियो पूरे इंटरनेट में स्प्रेड हो चुका था, मगर किसी को समझ नहीं आ रहा था कैसे। जरूर किसी और ने फिर से मोना का अकाउंट हैक किया होगा। उस दिन ऑफिसर के जाने के बाद डैनियल के साथ कुछ अजीब हादसे होते हैं। पहले तो उसे अपने खाने की जगह खून नजर आता है, और फिर कोई एक पार्सल छोड़ जाता है उसके घर के पीछे। अंदर एक अजीब सी शोपीस थी, एक्चुअली एक कैंडल। डैनियल जब उसे देख ही रहा था कि उसे कुछ अजीब सी आवाज आती है, जिसे फॉलो करते हुए वो बाहर जाता है और लाइट की तरफ देखता है। वहां कुछ इंसेक्ट्स मंडरा रहे थे, लाइट के चारों तरफ रोशनी के जाल बना रहे थे। उन्हें देखते ही देखते डैनियल जैसे हिप्नोटाइज्ड होने लगता है, और अपने अनजाने में ये फ्रंट लॉन को क्रॉस कर लेता है। फॉर्चुनेटली उसके डिवाइस से आवाज आती है और वो होश में लौट आता है, लेकिन घर आते ही उसे अपनी स्कूल की ईयरबुक दिखती है, जिसमें मोना का फेस उल्टा था। अचानक ही वो टर्न करती है, और डर से डैनियल बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। उसके माथे से खून बहने लगा था। हम देखते एक हुडेड फिगर उसके ऊपर झांक के उसे चेक कर रहा है। ये और कोई नहीं, मोना थी। नेक्स्ट डे डैनियल का बर्थडे था। केविन और एबी आए थे उसे विश करने, मगर डैनियल की हालत क्लियरली बर्थडे सेलिब्रेट करने जैसी तो नहीं थी। यहाँ पर एबी के जस्टिस से हम समझ पाते हैं उसके दिल में डैनियल के लिए स्पेशल फीलिंग्स है, कंसर्न है वो उसके लिए, मगर डैनियल वो नोटिस नहीं करता, इवन उसका गिफ्ट भी इग्नोर कर देता है। लेकिन कोई और भी था जो ये सब कुछ नोटिस कर रहा था, मोना। हम उसे उस घर में देखते हैं, वो डैनियल को बिल्कुल उसके साए की तरह फॉलो कर रही थी, हर एक पॉसिबल मौके पर अपनी प्रेजेंस फील करवा रही थी उसे, और अपनी जेलसी भी। वो एबी का गिफ्ट तोड़ देती है, जो सभी को लगता है डैनियल ने किया होगा।
डैनियल उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि मोना उसे हॉन्ट कर रही है, कोई उस पर यकीन नहीं करता। उन्हें लगता है यह उसके PTSD के सिम्टम्स है, जरूर वो दवाई नहीं ले रहा। एक्चुअली लास्ट कुछ दिनों से वो इतना डिस्टर्ब्ड रहने लगा है कि किसी से बात करने का मन नहीं करता उसका, अपने दोस्तों से भी नहीं। केविन को यही सबसे ज्यादा खटक रही थी। वो अपने दोस्त को समझाने लगता है कि मोना पहले से ही काफी वियर्ड थी, हमेशा ब्लैक हुडी के पीछे छुपी रहती थी, कोई दोस्त नहीं था उसका, किसी से बात नहीं करती थी। उसे तो देखकर ही लगता था कि वो डिप्रेशन की पेशेंट है। आज या फिर कल वो सुसाइड करने ही वाली थी, कोइंसिडेंटली डैनियल फंस गया। उसे ये सब भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए, एबी का प्यार उससे क्यों नहीं दिखता। केविन के बातों से डैनियल सच में सब कुछ भुलाकर सिर्फ और सिर्फ एबी पर फोकस करने की कोशिश करता है, मगर मोना उसे भूलने दे तब ना, उसके कारण उसकी जान गई है, इतने आसानी से तो वो उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। पहले डैनियल को वो एक मेल भेजती है जिसमें मोना का वही स्टेटमेंट था, और फिर घर में उसका फेवरेट सॉन्ग बजने लगता है। इस सबसे भी जब डैनियल नहीं डरता तो मोना खुद हाजिर हो जाती है उसे डराने। इस बार डैनियल सच में डर जाता है और एबी को कॉल करके घर बुलाता है और डिसाइड होता है एबी आज रात वहीं रुकेगी। वो बातों बातों में डैनियल से पूछती है मोना में ऐसा क्या था कि वो उसे इतना पसंद करता था। अब इसका जवाब तो डैनियल के पास भी नहीं था, उसे सिर्फ इतना पता था कि मोना परफेक्ट थी, उसके हर बात अच्छी लगती थी उसे। इससे एबी हर्ट होती है मगर कुछ नहीं कहती। रात होते ही दोनों खाना खाकर अलग अलग कमरे में सो जाती हैं, लेकिन कुछ देर बाद ही डैनियल को फील होता है उसके बिस्तर पे और भी कोई है, किसी के हाथ उसे छू रहे थे। पहले उसे लगता है एबी है, मगर जैसे वो चादर हटाता है उसे दिखती है मोना। वो उसके छाती को चीर के उसके दिल को बाहर निकाल रही थी, बहुत ही भयानक दिख रही थी वो। डर से डैनियल जोर जोर से चिल्लाने लगता है और एबी आकर उसे संभालती है, मगर उसे कमरे में कोई और नहीं दिखती, ना मोना ना कोई और। दिखता है तो बस डैनियल, हाथ में चाकू लिए अपने ही सीने पर मार्किंग्स बनाते हुए, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद उसने खुद ही खुद को घायल किया है सपने में। इस बार भी जब कोई डैनियल पर यकीन नहीं करता तो वो अपनी बात साबित करने के लिए एक सियांस परफॉर्म करने का डिसीजन लेता है। इंटरनेट से सारी डिटेल्स निकालता है और फिर लग जाता है काम पे। पहले तो कुछ नहीं होता, मगर जैसे ही डैनियल पूछता है मोना को क्या चाहिए, एकदम से माहौल बदल जाता है। डैनियल के हाथ में रखा पेंसिल अपने आप ही एबी के हाथ में स्टैप करता है और कोई उसे उठा के उसके घायल हाथ से दीवार पे लिखता है डैनियल, मतलब मोना को डैनियल चाहिए। इस हादसे से फाइनली सभी को यकीन हो जाता है मोना की आत्मा सच में है, हॉन्ट कर रही है वो डैनियल को। आज उसने एबी को हर्ट किया है, कल अगर डैनियल को मार डाले तो वो लोग पुलिस के पास जा नहीं सकते थे, क्योंकि फिर से उंगली डैनियल की तरफ ही उठेगी। और घर बदलने से भी तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि डैनियल कहीं भी जाए मोना उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। फाइनली वो लोग डिसाइड करते हैं उन्हें इंटरनेट से ही पता लगाना होगा आत्मा से खुद को प्रोटेक्ट कैसे करना है। उसका एक नुस्खा काम किया है तो दूसरा भी शायद करेगा। उन्हें पूरा एक दिन लग जाता है प्रोसेस को समझने में, चीजों को इकट्ठा करने में और सब कुछ सही तरीके से प्लेस करने में। पूरे घर में सीसीटीवी कैमरास लगाया जाता है और बेल्स भी, जिससे डैनियल एक कमरे में बैठकर चारों तरफ नजर रख पाए। इनिशियली इस बार भी कुछ नहीं होता, सब कुछ बहुत नॉर्मल रहता है, तो डैनियल भी रिलैक्स्ड होकर सो जाता है। सपने में वो देखता है एबी को, लेकिन जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के पास जाते हैं मोना एबी को मार डालती है, ठीक वैसे जैसे उसने खुद को मारा था। डर से डैनियल की नींद टूट जाती है और उसे अपने सामने देखती है मोना, इस बार इन रियलिटी। डैनियल और सहन नहीं कर पाता, भाग निकलता है वो घर से। उसके ट्रैकर से कंटिन्यूसली आवाज आ रही थी, उसे पता था उसे रुकना है मगर वो नहीं रुकता। कुछ दूर जाकर बेहोश होकर गिर जाता है और रात भर पड़ा रहता है वहीं पर। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिसर स्टोक्स उसे रस्ते से उठा के घर वापस भेज देते हैं। फॉर्चुनेटली वो उसे जेल नहीं भेजते, बस वार्निंग देकर छोड़ देते हैं। लेकिन डैनियल के लिए शायद जेल में रहना ही ज्यादा सेफ था, क्योंकि रात होते ही उसके घर का माहौल फिर से एक बार बदलने लगता है। बेल्स अचानक से ही जोर जोर से बजने लगते हैं और सारे के सारे कैमरास एक साथ खराब हो जाते हैं।
डैनियल ने अपने चारों तरफ नमक से एक होली सर्कल ड्रॉ किया था जिससे मोना की स्पिरिट उसके पास ना आ सके, लेकिन आने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि डैनियल खुद हेलुसिनेट करने लगता है। उसे एक इंसेक्ट दिखता है जो उसके शरीर के अंदर घुस जाता है और उसे बाहर निकालने के लिए डैनियल को अपना हाथ काटना पड़ता है। अगली सुबह जब उसके दोस्त आते हैं तो उसे देखकर चौंक जाते हैं, समझ नहीं पाते उनका तरीका काम क्यों नहीं किया, सब कुछ तो किया था उन लोगों ने। बहुत ढूंढने के बाद केविन को पता चलता है उन्होंने एक वाइटल पॉइंट मिस कर दिया। उन्हें मोना का कोई पर्सनल आइटम चाहिए था जिससे उसके आत्मा पर काबू किया जा सके। अब इसे पाने का एक ही रास्ता था, उन्हें मोना के घर में जाना होगा। केविन और एबी जाते हैं। फॉर्चुनेटली मोना की मौत के बाद से वहां और कोई नहीं रहता तो उन्हें अंदर घुसने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मगर उन्हें पता नहीं चलता ऑफिसर ने उन्हें देख लिया है और वो भी आ रहे हैं उनके पीछे पीछे। उधर डैनियल उन्हें ओवरफोन इंस्ट्रक्ट कर रहा था, उसके पास मोना के घर का ब्लूप्रिंट था, लेकिन मोना के बेडरूम में जाते ही उन्हें पता चलता है मैप और घर का डिजाइन मैच नहीं कर रहा, एक वॉल आ रहा है बीच में। केविन जब गौर से देखता है उसे समझ आता है ये दीवार दीवार नहीं है, असल में एक वॉक इन क्लोजेट है जिसके ठीक पीछे एक हिडन सेक्शन है जो बहुत सारे क्रीपी चीजों से भरा पड़ा है। बर्ड्स एंड एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स, अजीब से डॉल्स और बहुत सारे थ्रेड से बने हुए जाल। देखकर ही पता चल रहा था ये सारे के सारे ब्लैक मैजिक के सामान हैं। और उनके बीच जब उन्हें डैनियल की तस्वीर दिखती है हजारों में मार्क्ड किए गए, उनके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि मोना जितनी वियर्ड दिखती थी नेचुरली भी वो वैसी ही थी। डैनियल उससे नहीं, उल्टा वो डैनियल को स्टॉक करती थी, इनफैक्ट काला जादू करती थी उस पर। उन सब के बीच एबी को एक नोट मिलता है जिस पर एक स्पेल लिखा था, एक एन्चेंटमेंट स्पेल था, जरूर उसने इसी का इस्तेमाल किया होगा डैनियल को अपने वश में करने के लिए। उधर डैनियल जब केविन के भेजे गए वीडियो को देखता है उसे मोना के घर में वही साइंस दिखते हैं जो उसके सीने पर बने थे, इसका जरूर कोई स्पेशल मतलब होगा। वो साइन को ट्रेस करता है और ऑनलाइन रिसर्च करता है उसका मतलब जानने के लिए। उसे पता चलता है इसका नाम फोकलरोथ है, विच इज साइन। अचानक डैनियल को याद आता है मोना का क्लाउड अकाउंट वो हैक नहीं कर पाया था, उसका पासवर्ड भी 9 letters का है, तो डैनियल इसी वर्ड को पुट करता है वहां। एंड सरप्राइजिंगली वो बिल्कुल सही था, यही पासवर्ड है, लेकिन अकाउंट में बस एक ही फोल्डर है डैनियल नाम से और उसके अंदर है एक पिक्चर, एक कागज का। जब तक डैनियल उसका प्रिंट आउट निकाल रहा था तब तक उधर केविन और एबी घर वापस आ चुके थे। एबी को लैटिन आती है इसलिए वो कागज को पढ़ना स्टार्ट करती है और उसे पता चलता है मोना ने डैनियल पर एक नहीं बल्कि 2 spells कास्ट किया था और ये सेकंड स्पेल एक बहुत ही शक्तिशाली पोजेशन स्पेल है जिसमें कोई दूसरे व्यक्ति के शरीर को वश में करने का तरीका है। यहाँ पर स्पेल के सारे स्टेप्स लिखा है, साथ में इसे तोड़ने का उपाय भी। जैसे जैसे एबी उन स्टेप्स को पढ़ती है उन्हें समझ आता है डैनियल ने अपने अनजाने में ही उन्हें पूरा कर दिया है। इस सब की शुरुआत हुई थी मोना के सुसाइड से, जो एक सैक्रिफाइस था, वो भी जिस पर स्पेल कास्ट किया जा रहा है उसके सामने। उस वीडियो को सबने देखा था, डैनियल ने भी, तो वो स्टेप ऐसे ही पूरा हो गया। उसके बाद था एक स्पेशल लाइन को पढ़ना जो मोना बहुत ही चालाकी से स्कूल बुक के यानी कि स्कूल के ईयर बुक में अपने फोटो की जगह दे रखी थी, वो एक सॉन्ग था एक्चुअली। तो ईयर बुक को देखते वक्त डैनियल ने वो भी रीड कर लिया था। नेक्स्ट स्टेप था डैनियल को वो साइन बनाना होगा जो उसने किया, उसका मतलब सर्च करते वक्त। उसके बाद था उसे अपने मर्सी से अपना खून देना होगा, तो उसने कल रात ही अपना हाथ काटा था। ये सारे के सारे स्टेप्स डैनियल पूरा कर चुका था, बाकी था बस एक और स्टेप। इस कागज पर लिखा था अगर ये स्टेप डैनियल से पहले कोई ऐसे व्यक्ति कर दे जो डैनियल से सच्चा प्यार करता हो तो ये स्पेल कैंसिल हो सकता है। लेकिन ये स्टेप क्या है वो जानने से पहले ही उन पर मोना की आत्मा हमला कर देती है, पूरा घर एक हरे रंग के रोशनी से भर जाता है। वो अपने मकसद के बहुत पास पहुंच चुकी है, डैनियल उससे बस एक और कदम ही दूर है, ऐसे में हार मान नहीं सकती वो। उससे बचने के लिए सभी कमरे में जाके छुपते हैं और वहां एबी एक कैंडल जलाती है नेक्स्ट स्टेप पढ़ने के लिए, मगर कैंडल को जलाते ही सब कुछ अचानक से ठीक हो जाता है, शांत भी, बिजली भी वापस आ जाती है।
फाइनली जब एबी लास्ट स्टेप को पढ़ती है तो सबको इसका मतलब समझ आता है। वहां लिखा था फाइनल स्टेप में डैनियल को विचेस कैंडल जलाना होगा, लेकिन अगर ये स्टेप उसके किसी लव्ड वन ने किया तो स्पेल टूट जाएगा, एग्जैक्टली जैसे एबी ने अभी अभी किया, मतलब स्पेल टूट चुका है। असल में उसने हरबरी में जो कैंडल जलाई थी वो कोई नॉर्मल कैंडल नहीं थी, ये एक विचेस कैंडल थी और उस रात पार्सल में यही आई थी। डैनियल को समझ नहीं आया ये क्या है, तो उसने बस निकाल के रख दिया था कोने में। ये इतना काम की चीज है, किसने सोचा था। फाइनली सब कुछ ठीक हो जाने के बाद तीनों दोस्त मिलकर घर को क्लीन करने लगते हैं। सभी बहुत खुश थे और रिलैक्स्ड भी, मगर अचानक ही एबी को कुछ होता है और वो डैनियल के सामने केविन को मार डालती है। हम देखते हैं उसके आंखें लाल हो चुकी है, बिल्कुल मोना की तरह वो पोजेस्ड हो चुकी है मोना के आत्मा से। यहाँ पर हमें पता चलता है भले मोना ने स्पेल डैनियल पर कास्ट किया था, मगर वो पांचों के पांचों स्टेप्स उसके साथ साथ एबी ने भी पूरा किया था अपने अनजाने में ही। तो फिफ्थ स्टेप कंप्लीट करने के साथ साथ डैनियल की जगह वो पोजेस्ड हो गई और अभी मोना उसके शरीर पर कब्जा करके डैनियल को हासिल करेगी। मतलब जैसे भी हो काम उसका पूरा हो ही गया। एबी पोजेस्ड हालत में डैनियल को मारकर बेहोश कर देती है और फिर उसे लेकर निकल जाती है अपने डेस्टिनेशन की तरफ। नहीं, पुलिस को कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि जब ऑफिसर स्टोक्स आती है डैनियल को चेक करने, उन्हें मिलता है उसका कटा हुआ पैर, वो पैर जिस पर डिवाइस लगाया गया था। अभी ना कोई उसे ट्रैक कर पाएगा ना मोना से अलग कर पाएगा, क्योंकि पुलिस को लगेगा वो खुद ही भाग गया है। दोस्तों कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। एक बहुत ही छोटी सी, सिंपल सी, येट थ्रिलिंग एंड ट्विस्टी स्टोरी है। मुझे तो कहानी बहुत ही ज्यादा पसंद आई। आपको यह वीडियो कैसी लगी, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।